विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी की फिल्म बैड न्यूज ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की है। फिल्म को वन टाइम वॉच के रूप में लोग देख रहे हैं और अन्य फिल्मों के साथ स्क्रीनिंग शेयर करने के बावजूद यह फिल्म हर दिन अच्छा कलेक्शन कर रही है। हालांकि कई फैंस को फिल्म की कहानी में उतना दम नहीं नजर आया। दूसरी ओर धनुष की रामायण फिल्म ने अपने जलवे को सबको चौंका दिया है। बैड न्यूज ने अपने पहले 10 दिनों में 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी की इस फिल्म ने हर दिन 2 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है, चाहे वीकेंड हो या वीकडेज। हालांकि अगले हफ्ते नई फिल्मों के आने से बैड न्यूज के कलेक्शन पर असर पड़ सकता है, इसलिए यह हफ्ता फिल्म के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। धनुष की 50वीं फिल्म रामायण ने पहले वीकेंड में ही 40 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 13.65 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 13.75 करोड़ रुपए और तीसरे दिन 14.75 करोड़ रुपए कमाए। कुल मिलाकर फिल्म ने 3 दिनों में 42.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। धनुष के फैंस के बीच उनके जन्मदिन के समय इस फिल्म को रिलीज करने का फायदा भी मिला है। 10 दिनों में विक्की कौशल की बैड न्यूज ने 50 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो खराब नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब इसकी तुलना साउथ सुपरस्टार धनुष की रामायण से की जाए तो फिल्म का कलेक्शन काफी हल्का नजर आता है। रामायण ने महज 3 दिनों में ही 42.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और यह जल्द ही बैड न्यूज को पछाड़ देगी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रामायण विदेशों में भी रिलीज हुई है, जिससे इसके कलेक्शन में और इजाफा होगा, जबकि बैड न्यूज की विदेशी रिलीज अभी नहीं हुई है। एक बार फिर से साउथ की फिल्में कमाई के मामले में बॉलीवुड से आगे नजर आ रही हैं।